हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड के बारे में, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो आज इस वीडियो में हम इस फंड का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि पिछले सालों में इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है और ये फंड आपके लिए सुटेबल हो भी सकता है या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं इस फंड के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू काइज फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो ये फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड। देखिए, जो आदित्य बिरला सन लाइफ है ये तो म्यूचुअल फंड, जो आपका म्यूचुअल फंड हाउस है, और जो डिजिटल इंडिया, देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड के नाम में ही छिपा होता है कि वो फंड कैसा है। अब देखिए, जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया का मतलब कि इंडिया में जितने भी डिजिटली स्टॉक्स हैं, मतलब जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स हैं, वहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि आप मान लीजिए इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, जो इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो ये कंपनियाँ हैं, ये कंपनियाँ आपकी आईटी कंपनियाँ हैं, और जितने भी और क्या बोलते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी कंपनियाँ हैं इंडिया में, इवन यूएसए में आपका कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल में भी इसका 1.5% का इन्वेस्टमेंट आता है। तो ऐसे में अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब कि जितने भी आपका इन्वेस्टमेंट हो, आप ये चाहते हैं कि पूरा आपका टेक्नोलॉजी में हो, तो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप इस फंड को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर इंडिया में जितने भी टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक लिस्टेड हैं, वो सारे कह सकते हैं कि इस पोर्टफोलियो में आपको मिल जाएंगे, जो कि मेजर स्टॉक्स हैं। तो आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जोमैटो जो है, उसने भी अपना आईपीओ निकाला था और स्टॉक मार्केट में वो भी लिस्ट हो गया। तो जोमैटो में भी इस फंड का थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, अप्रॉक्स 0.70% का। तो इन शॉर्ट में अगर हम समझें कि जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा, अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा वो आईटी सेक्टर में, या फिर आप कह सकते हैं कि जितने भी टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो अब आइए हम ये समझते हैं कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और कितना करना चाहिए। तो चलिए, ये सब समझने से पहले हम आइए इस फंड की कुछ डिटेल समझ लेते हैं, कुछ बेसिक डिटेल्स क्या क्या है, इसका रिटर्न क्या है, तो आगे समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए अगर हम इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स देखते हैं, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसका फंड हाउस है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया था। और अगर इस फंड की लॉन्च डेट देखते हैं, तो जो ये फंड लॉन्च हुआ था वो 1 जनवरी 2013 को ये फंड लॉन्च हुआ था। और अगर हम इसका रिटर्न देखते हैं, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, तो ये करीब 27% के आसपास आपका जो इसमें एनुअल बेसिस पे आपका रिटर्न मिलता आया है। और अगर इसका बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें, तो इसका बेंचमार्क इंडेक्स आता है वो है S&P BSE Tech TRI इंडेक्स। और अगर हम इसके रिस्कोमीटर की बात करते हैं, देखिए रिस्कोमीटर की अगर हम बात करें तो बहुत ही हाई है। थोड़ा सा हम शॉर्ट में समझते हैं कि देखिए वेरी हाई क्यों है, क्योंकि वेरी हाई इसलिए है क्योंकि आपका जो पैसा है वो एक ही सेक्टर में लगा है। अब ये समझिए कि अगर आपका पूरा पैसा आईटी सेक्टर में लगा है, मतलब इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एलएनटी इन्फोटेक, जोमैटो, एप्पल और जितने भी स्टॉक्स हैं, यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट है। और अगर मान लीजिए कल को आपकी आईटी सेक्टर या फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी बहुत, तो हो सकता है कि आपका जो ये सेक्टर 8-10% 15% तक गिर सकता है। तो ऐसा जनरली होना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि ये देखिए स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर वहाँ पर आपका सेक्टर में गिरावट आती है, तो क्या होगा कि अगर आपका 100% इन्वेस्टमेंट होगा इसमें, तो आपका 15-20% का जो डाउनसाइड आपके तुरंत ही आ सकता है, अगर आप पूरा इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। तो इसीलिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसका जो रिस्क का आप कह सकते हैं रिस्क एपेटाइट है, वो जरूर समझिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आपका बहुत रिस्क हो सकता है, क्योंकि ये एक सेक्टोरल फंड है। और अगर इस फंड का हम टाइप देखते हैं, तो ये ओपन एंडेड स्कीम है, मतलब आप कभी भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी अपने पैसे को यहां से रिडीम कर सकते हैं। और अगर हम इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखते हैं, कि जिसका एयूएम है वो करीब 2,536 करोड़ के आसपास है। और अगर इसका हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं, तो जो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो आता है वो 1.06% है। और अगर आप किसी कैटेगरी के एवरेज का एक्सपेंस रेशियो देखेंगे, तो वो करीब 1.2% के आसपास आता है। इसका मतलब कि जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा सा कम है अपने कैटेगरी के एवरेज से। तो अगर हम इनके फंड मैनेजर को देखते हैं, तो जिनको फंड मैनेजर हैं उनका नाम है कुणाल संगोई, जो कि 15 जनवरी 2014 से इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। तो अगर आप इसका पोर्टफोलियो देखते हैं, तो जो इसका 100% इन्वेस्टमेंट आता है वो टेक्नोलॉजी या फिर आईटी में है। जितने भी इसका इन्वेस्टमेंट है वो आईटी में या फिर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में है। और अगर आप इसका पोर्टफोलियो देखेंगे, तो अगर इसका सेगमेंट वाइज पोर्टफोलियो देखते हैं,
तो अगर आप लार्ज कैप में देखेंगे तो लार्ज कैप में करीब 70% के आसपास इसका इन्वेस्टमेंट आता है, और अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में करीब 20% के आसपास इन्वेस्टमेंट आता है, और अगर हम स्मॉल कैप की बात करते हैं तो स्मॉल कैप में इसका करीब 10% का इन्वेस्टमेंट आता है। तो अगर हम इस फंड के रिटर्न की बात करते हैं कि पिछले सालों में इस फंड ने आपको रिटर्न कैसा दिया है, तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर पिछले एक साल का रिटर्न देखते हैं तो इसमें आपको करीब 81% का रिटर्न मिला है, और अगर हम 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में इस फंड ने 40% से ज़्यादा का एनुअल रिटर्न देता आया है। और अगर 5 साल पहले का डेटा देखते हैं तो 5 साल पहले का डेटा देखेंगे तो इस फंड ने करीब 32% का आपको एनुअल बेसिस पे रिटर्न देता आया है। और अगर ओवरऑल देखते हैं कि जब से फंड लॉन्च हुआ है यानी 1 जनवरी 2013 से, तो तब से अगर इसका हम रिटर्न देखते हैं तो ये करीब 26.5 या फिर कह सकते हैं कि 27% का रिटर्न देता आया है। तो अभी हम ये देखेंगे कि अगर आपने इस फंड में 1000 रुपये की SIP स्टार्ट की होगी 1 साल 3 साल या फिर 5 साल पहले, तो आपका जो रिटर्न हो गया होगा वो कितना हो गया होगा। तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आपने 1000 रुपये की SIP कर रखी होगी पिछले 1 साल पहले, यानी 1 साल पहले से आपने इस फंड में 1000 रुपये का पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 12000 रुपये, और आज के समय में जो इस फंड की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 17080 रुपये। इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 5080 रुपये का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर बात करें 3 साल पहले की, 3 साल पहले से अगर आपने इस फंड में 1000 रुपये का मंथली SIP स्टार्ट की होगी, तो आज के समय में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 36000 रुपये, और आज अगर आपका टोटल वैल्यू देखेंगे आज के समय में तो वो हो जाएगी करीब 80000 रुपये। इसमें आपको जो प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 44000 के आसपास इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और वहीं अगर हम बात करें 5 साल पहले की, यानी 5 साल पहले से आपने इस फंड में 1000 रुपये की SIP स्टार्ट किया होगा, तो आज के समय में जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा करीब 60000 रुपये, और आज के समय में उस फंड की जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी करीब 1,65,697 रुपये। इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 1,05,697 रुपये का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो अगर अभी हम ये देखते हैं कि आपने इस फंड में 10,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होगा 3 साल या फिर 5 साल पहले, तो आपका जो रिटर्न होगा वो कितना हो गया होगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर 3 साल पहले आपने इस फंड में 10,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो आपके समय जो उस फंड की वैल्यू हो जाएगी 28,197 रुपये हो जाएगी। इसमें जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो करीब 41% के आसपास एनुअल बेसिस पे आपको इसमें रिटर्न मिलता आया है। और अगर हम 5 साल पहले की बात करें, यानी 5 साल पहले आपने इस फंड में 10,000 का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो आज के समय में उस फंड की जो वैल्यू हो जाएगी वो करीब 41,444 रुपये हो जाएगी। इसमें जो आपको रिटर्न मिल रहा है एनुअल बेसिस पे वो करीब 33% के आसपास इसमें आपको रिटर्न मिल रहा है। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि जो इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो क्या क्या हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इन्फोसिस में इसका इन्वेस्टमेंट आता है वो करीब 17% से थोड़ा ज़्यादा है। और अगर हम TCS की बात करें जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक है, इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो करीब 12% है। HCL की बात करें तो HCL में इसका करीब 10.5% का इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर हम टेक महिंद्रा की बात करें तो टेक महिंद्रा में करीब 9.5% का इन्वेस्टमेंट आता है। भारतीय एयरटेल की बात करें जो कि कम्युनिकेशन सेक्टर का स्टॉक है, इसमें करीब इसका 7.5% का इन्वेस्टमेंट आता है। साइंट लिमिटेड की बात करें तो इसमें भी इसका करीब 4% का इन्वेस्टमेंट आता है। परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें तो उसमें करीब इसका 4.25% का इसमें इन्वेस्टमेंट आता है। अगर हम जस्ट डायल की बात करते हैं जो कि सर्विसेज सेक्टर का स्टॉक है, इसमें से करीब 3% का इन्वेस्टमेंट आता है। और वहीं अगर हम बात करें विप्रो की तो विप्रो में से करीब 2.69% का इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर हम एम्फेसिस की बात करें तो एम्फेसिस में इसका करीब 2.54% का इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर हम एप्पल की बात करें जो कि USA में लिस्टेड है, तो वहाँ पर भी इसका करीब 1.5% का इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की बात करें तो वहाँ पर भी इसका करीब 1.5% का इन्वेस्टमेंट आता है। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि अगर इसका सेक्टर वाइज एलोकेशन देखते हैं तो वो कैसा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर हम टेक्नोलॉजी स्टॉक की बात करें तो टेक्नोलॉजी में इसका करीब 73.5% का इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में करीब 10% का इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर हम सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज में भी इसका करीब 10% का इन्वेस्टमेंट आता है। और अगर हम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, तो वहाँ पर करीब 1 से 1.5% तक का इन्वेस्टमेंट आता है। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि इस फंड ने वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली सबसे जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है और जो सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है वो कैसा रहा है। चलिए हम ये स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसका जो बेस्ट वीक रहा है, मतलब जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वीकली, वो करीब 10% का रहा है, जो कि 10 जनवरी 2013 से लेकर 17 जनवरी 2013 के बीच में रहा है। और अगर इसका बेस्ट परफॉर्मेंस देखते हैं मंथली की, एक मंथ में इसने सबसे अच्छा परफॉर्म कब किया है, तो करीब 20% के आसपास इसने रिटर्न दिया था
25 जून 2013 से लेकर 25 जुलाई 2013 के बीच में, और अगर हम क्वार्टरली देखते हैं यानी कि एक क्वार्टर में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस इसने कब किया था, तो वो करीब इसका था 48% और 18 मई 2020 से लेकर 17 अगस्त 2020 तक में। और अगर ईयरली परफॉर्मेंस देखते हैं तो ईयरली परफॉर्मेंस देखेंगे तो एक साल में इसने 150% का रिटर्न दिया है, और वो भी तब दिया है 23 मार्च 2020 से लेकर 23 मार्च 2021 तक। आपको याद होगा कि कोविड का पैंडेमिक आया था और 21 मार्च को या फिर 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था, उसके बाद से जो मार्केट में गिरावट आई थी तो उस समय ये लो बनाया था, उसके बाद से ये एक साल में 150% तक का इसने रिटर्न दिया है। और इसका हम वर्स्ट परफॉर्मेंस देखते हैं तो इसका जो वर्स्ट परफॉर्मेंस रहा है वो एक वीक में करीब 19.5% का रिटर्न ये डाउन किया था, ये 11 मार्च 2020 से लेकर 18 मार्च 2020 के बीच की बात है। और इसका हम मंथली वर्स्ट परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो करीब -34% का रहा है, और इसका और ये देखें तो करीब 20 फरवरी 2020 से लेकर 23 मार्च 2020 की बात है। और अगर इसका हम क्वार्टरली वर्स्ट परफॉर्मेंस देखें तो वो है करीब 28.5%, ये 23 दिसंबर 2019 से लेकर 23 मार्च 2020 के बीच में है। और अगर इसका हम ईयरली सबसे खराब परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो करीब 25.5% का है, 22 मार्च 2019 से लेकर 23 मार्च 2020 के बीच में ये आया था। तो वहीं अगर हम इस फंड के मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लमसम में 1,000 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप SIP करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये से अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसके एग्जिट लोड की बात करें यानी कि अगर आपने आज इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो अगर आप एक महीना के पहले यानी कि एक मंथ के पहले अगर आपने इस फंड से अपने पैसे को रिडीम कर लिया तो वहां पर आपको 1% का एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, जिसको हम एग्जिट लोड बोलते हैं। और अगर आपने एक महीने के बाद आपने इस फंड से अपने पैसे को रिडीम किया तो वहां पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज या फिर एग्जिट लोड नहीं देना होगा। और अगर हम टैक्सेशन की भी बात कर लेते हैं साथ में, टैक्सेशन ऐसा होगा कि अगर मान लीजिए आपने आज इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया और 365 दिन के पहले आपने इस फंड से अपने पैसे को रिडीम कर लिया तो वहां पर क्या होगा कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि STCG टैक्स लगेगा, जो कि आपके प्रॉफिट पे 15% लगने वाला है। और अगर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करें यानी कि अगर आपने आज इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया और 365 दिन के बाद यानी कि एक साल के बाद अगर आपने इस फंड से अपने पैसे को रिडीम किया तो वहाँ पर क्या होगा कि 1,00,000 तक का जो प्रॉफिट होगा एनुअल यानी कि एक साल में अगर आप 1,00,000 तक का प्रॉफिट लेते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप एक साल में 1,00,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट लेते हैं तो वहाँ पर आपको 10% का टैक्स देना होगा। तो आइए अभी हम इस फंड के रिस्क रेशियोज को समझते हैं कि जो इसका रिस्क रेशियोज हैं वो कैसे हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन आता है वो हाई वोलेटाइल शो कर रहा है, वो 20.27 है। और अगर इसके कैटेगरी के एवरेज का हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं तो 16.99 आता है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन वो होता है अगर हम जो पिछले 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो वहाँ पर अगर ये जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है अगर ये हाई वोलेटाइल शो कर रहा है, इसका मतलब पिछले 3 साल में जो आपका रिटर्न रहा है वो ज़्यादा वोलेटाइल रहा है अगर अपने कैटेगरी से कंपेयर करेंगे तो। और अगर हम बीटा की बात करें तो अगर आप बीटा देखेंगे इस फंड का तो वो हाई वोलेटाइल शो कर रहा है, क्योंकि इसका जो बीटा है वो 0.83 है और इसके कैटेगरी के एवरेज का बीटा आता है वो 0.78 आता है। यानी कि बीटा मतलब कि अपने कैटेगरी में इसके जो सिमिलर फंड्स हैं वहाँ से ये कितना ज़्यादा आपको वोलेटाइल है ये फंड, ये इसका बीटा शो करता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल है। और अगर हम शार्प रेशियो की बात करें तो शार्प रेशियो का मतलब ये होता है कि आपका जो ये फंड है इसने आपका जो रिस्क के साथ साथ आपको रिटर्न भी कितना अच्छा दिया है, तो ये इसका शार्प रेशियो काफ़ी अच्छा है। अगर इसका आप शार्प रेशियो देखेंगे तो 1.47 है, अगर इसके कैटेगरी के इसका शार्प रेशियो देखेंगे तो 0.67 आता है। और अगर हम ट्रेनर रेशियो की बात करें तो ट्रेनर रेशियो भी इसका काफ़ी अच्छा है, 0.36 है, और इसका अगर हम कैटेगरी के एवरेज का ट्रेनर रेशियो देखते हैं तो 0.17 आता है। यानी कि जो इसके इसने यूनिट में रिस्क लिया है आदित्य बिरला सनलाइफ डिजिटल इंडिया फंड ने, तो वहाँ पर ही आपको रिटर्न रिस्क के साथ साथ आपको रिटर्न भी काफ़ी अच्छा दिया है। और अगर हम जेंसन अल्फा की बात करें तो अगर आप जेंसन अल्फा देखेंगे तो इस फंड का जो जेंसन अल्फा आता है वो 11.31 है, और अगर इसके कैटेगरी के एवरेज का आप जेंसन अल्फा देखेंगे तो वो 2.79 आता है। इसका मतलब ये है कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स के जो रिटर्न मिला है वहाँ से कितना ज़्यादा आपको यहाँ पर रिटर्न दिया है, तो ये अगर आप देखेंगे ये फंड तो करीब 11.5% का ज़्यादा रिटर्न दिया है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से।
तो आज इस वीडियो में हमने बात किया आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड के बारे में, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो अभी हम ये देखेंगे कि आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, हमने सारी डिटेल समझ ली, इसका रिटर्न कैसा रहा, इसके फंड मैनेजर कौन है और इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो ये सब चीज़ें हमने डिटेल में समझ ली। तो आप देखिए, अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम अगर आप 6 से 7 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तभी आप इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि क्या होता है कि ये एक सेक्टोरल फंड है, रिटर्न इसमें बहुत अच्छा मिला है, लेकिन देख आपने देखा कि शॉर्ट पीरियड में ये आपका रिटर्न काफ़ी ख़राब कर सकता है, 25 से 30% आपका रिटर्न माइनस में भी जा सकता है। तो कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए आप किसी भी सेक्टोरल फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें। और टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप 6 से 7 साल के इन्वेस्टमेंट अपना करना चाहते हैं और आप यहाँ पर 25 से 26% तक का हाई रिटर्न लेना चाहते हैं तो फिर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आप ये भी ध्यान रखिए कि आप कभी भी अपने पोर्टफोलियो का 15% से ज़्यादा किसी भी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट मत करिए। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है और आप 100 रुपये मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करें, तो आप 15 रुपये से ज़्यादा कभी भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट ना करें। क्योंकि अगर आप एक सेक्टर में 15% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपका जो रिटर्न है या फिर आपका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा, आपका रिस्क हाई हो जाएगा और रिटर्न क्या होगा कि आपका लो हो सकता है। तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये जरूर ध्यान रखिए कि यहाँ पर क्या है, एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा, जितने भी IT स्टॉक्स हैं, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोज चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।